आज 27 दिसंबर 2022 कांग्रेस का डेलीगेशन जिसमें मतीन शरीफ साहब है, अयाज साहब है, रसूल साहब है, जुड़ी भाई है, जोगेंद्र सिंह साहब है, हाजी साहब है, दाऊद साहब है, दूसरे कांग्रेस के तमाम लीडर्स है, हम सब आज माइनॉरिटी एंड सोशल वेलफेयर मिनिस्टर कोपला ईश्वर साहब से मिले, मिलकर उनको कांग्रेस की जानिब से रिप्रेजेंटेशन दिए और मजीद इजाफा करने के लिए बोले, जो लोन मिल रहे हैं माइनॉरिटीज के लिए उसमें इजाफा करने के लिए बोले। लास्ट टाइम हमने कोशिश की 70 करोड़ रुपए बढ़े, अभी 70 करोड़ रुपए से भी कुछ नहीं होता, 1000 करोड़ रुपए बढ़ाने का हमने उनसे मुतालबा किया, क्योंकि 1000 आदमी ये 12000 आदमी को दे रहे हैं, 12000 आदमी को अगर दे रहे हैं तो आप पब्लिक का मजाक बना रहे हैं, माइनॉरिटीज का मजाक बनाकर लाखों एप्लीकेशन मौसूल कर रहे हैं आप। आज तक, आज की तारीख तक 50000 के ऊपर एप्लीकेशन मौसूल हो चुके हैं और हम ईश्वर साहब से मिलकर तफसील में ये बातचीत करे हैं कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, आप उनको भी लोन दीजिए, उनके आधार कार्ड पर, उनके लाइट के बिल पर, उनके रेसिडेंस प्रूफ पर लोकल से और मंडल से इंक्वायरी करवा कर उनको भी लोन दीजिए, क्योंकि माइनॉरिटी तबका बहुत पसमानदा तबका है अभी फिल वक्त, इसीलिए जो लोन इनको मिल रहा है वो सबको मिलना चाहिए। तकरीबन 1000 करोड़ अगर आप देंगे और 1 लाख लोगों को देंगे तो कुछ लोगों को मिलेगा। When you are doing a upliftment of the minorities, अगर आप minorities के लिए इसको upliftment करना चाह रहे हैं तो हकीकी काम करिए, हकीकी जामा पहनाइए उसको, ना के मजाक करिए। कोपला ईश्वर साहब से हमारे, हम यही बोले कि 5 तारीख तक आप applications ले रहे हैं, इसमें काफी holidays है, वो applications को बढ़ाइए, आप जाके चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करिए, मिलिए उनसे, मिलकर 1000 करोड़ जो हमारा 2015 के बाद 16 के बाद से आज तक नहीं दिए, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 1200 करोड़ होते, हमारे ही पैसे पूछ रहे हैं जो माइनॉरिटीज के लिए थे। तो हम आवाम से भी यही अपील कर रहे हैं, आप जितना हो सकता है इस लोन के लिए अप्लाई करिए, जिसमें हमारे सिख भाई है, बुद्ध भाई है, पारसी भाई है, क्रिश्चियन भाई है, जैन भाई है और मुसलमान भाई है, आप लोग इसके लिए अप्लाई करिए, इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे। अगर किसी को नहीं मिलेगा तो इसके जिम्मेदार राष्ट्र केसीआर साहब रहेंगे, कोपला ईश्वर रहेंगे और हमारे माइनॉरिटी के चेयरमैन मिस्टर इम्तियाज साहब रहेंगे, ये तमाम लोग का घेराव हम करेंगे और आवाम बताएंगी कि माइनॉरिटीज क्या होती है। जो माइनॉरिटीज को आप झूठे वादे कर लेते आए हैं, जिसका 12% रिजर्वेशन देते बोल के आप 3% पर लाकर उल्टा घटा दिए हैं, तो हर वक्त माइनॉरिटीज के साथ धोखा कर रहे हैं केसीआर साहब। आपकी बीआरएस पार्टी अगर ऐसा करेंगी तो बर्खास्त पार्टी हो जाएंगी। आप आवाम को लोन दीजिए, बिल्कुल लोग रूप मोह में हर वो जगह खड़ के जेरोक्स करा के अपने इनकम सर्टिफिकेट्स निकाल कर कारोबार धंधा छोड़कर आपके लोन की आस में फिर रहे हैं, इनकी आस को मायूस मत करिए और इनको भरपूर लोन दीजिए। जय हिंद, जय कांग्रेस।